नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लंदन से लौटे सीएम धामी बोले, भारत के प्रति बदला नजरिया, निवेश को तैयार। विदेशी कंपनियां, 1,025 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज की म्यूजियम बनाने की मांग, 3 बार नगर पालिका की बैठक में प्रस्ताव हुआ पास। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को लिखा पत्र। काशीपुर में 6 साल से अधर में लटके ओवरब्रिज निर्माण, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। 2017 में रखी गई थी फ्लाईओवर की नींव, अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। दुबई में फंसे यूपी उत्तराखंड के लोगों ने धामी सरकार से लगाई गुहार, परिजनों ने सीएम धामी से सभी को स्वदेश लाने की अपील। पीड़ितों का वीडियो हो रहा वायरल। ड्रग फ्री देवभूमि अभियान में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी, 27 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन दौरे के बाद देहरादून पहुंचे सीएम धामी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर ब्रिटेन दौरे पर मुख्यमंत्री गए थे। भाजपा कार्यकर्ता ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ धामी सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। आगामी दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 4 दिनों तक लंदन के दौरे पर रहे। वहां पर आयोजित विभिन्न बैठकों में उत्तराखंड में लगभग 1,025 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर करार हुआ है। लंदन दौरे के बाद देहरादून पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के बहुमत से उद्योगपति उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपील की है कि वे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करें। अपने लंदन दौरे के दौरान धामी ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के साथ उत्तराखंड में निवेश के लिए करार किए जाने पर प्रसन्नता जताई है और कहा कि काफी संख्या में उद्योगपति उत्तराखंड आना चाहते हैं। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है जो दिसंबर में होने वाली है उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के युवाओं का दिल जीतने का काम किया है। ये केवल एक दृष्टिकोण से सोचना कि इन्वेस्टर समिट का लाभ क्या होने वाला है, मैं कह सकता हूँ 12,500 रुपए का जो इन्वेस्टर समिट है यहाँ के रोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बहुत बड़ा साधक सिद्ध होगा। और अभी तो समिट होने बाकी है, आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग आएंगे। इंग्लैंड जैसे देश में उत्तराखंड राज्य में निवेश के प्रति अगर आकर्षण है तो ये राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री 12,500 करोड़ का एमओयू करके आए हैं और ये क्योंकि हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें आकर्षण भी है और जो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट है ये इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फ्रेंडली है। दिसंबर में होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे देश के अंदर जाना हो विदेश में जाना हो। अभी लंदन में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी गए और उन्होंने लोगों से बातचीत की, रोड शो किए, तमाम इन्वेस्टर से बात की, मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही अनुकूल, जो हमारे यहाँ वातावरण है, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति है, तमाम चीजें उसको लेकर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और भी होने वाला है क्योंकि दिसंबर तक में बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। मुख्यमंत्री धामी का हेलीकॉप्टर जैसे बन्नू स्कूल के मैदान में उतरा। पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम मंत्री और विधायक के साथ सीधे मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। चूक इतनी बड़ी थी कि हेलीकॉप्टर के पंखे बंद भी नहीं हुए थे कि मंत्री के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता वहां तक पहुंच गए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जुड़े कर्मचारी और अधिकारी भी बेबस दिखे। अपने साथ कईयों की जिंदगी दांव पर लगाई। जब वीडियो वायरल होने के बाद SSP देहरादून अजय सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। इस इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे प्रदेश को तैयार किया गया है। इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी तैयारियां करके औद्योगिक घरानों के आने वाले लोगों और उद्योगपतियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तराखंड में आने वाले लोगों को उत्तराखंड का माहौल और यहाँ के हालात मुफीद लगे, इसको लेकर PWD सचिव पंकज पांडे ने बताया कि इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे द्वारा सड़कों की हालातों को बेहतर किया जा रहा है और अन्य वह सभी प्रयास किया जा रहे हैं जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए देश विदेश से जो लोग आए उन्हें अच्छी सुविधा मिल सके। देखिए, भारत सरकार से जितने लोग आने वाले हैं या जो और भी प्रदेशों से लोग आने वाले हैं उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और देहरादून में क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और दिल्ली से जो हाईवे आ रहे हैं इन सब में पूरे देहरादून में जो हमारा मेन वेन्यू है वो और जो महत्वपूर्ण होटल हैं उन सब के पास तक पहुँचने वाली सड़कें हैं उनको सबको टेकअप किया गया है। वो उसी के लिए मैं बता रहा था कि 25 नवंबर से पहले वो काम कंप्लीट कर लेंगे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने राजस्व संवर्धन को लेकर खनन, विद्युत, आबकारी, सिंचाई, राजस्व संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में एक बैठक ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व को बढ़ाया जाए। साथ ही जिला खान अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में उपखनिज हेतु नदी तट पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पट्टे चिन्हित किए जाएं, इससे वैध खनन होगा और अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व बढ़ेगा। उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। सरकार की सकारात्मक पहल से विकास कार्यों को अधिक बढ़ावा मिलेगा और सरकार की बेहतर छवि भी जनता के बीच पहुंचेगी। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023 और 2024 के अंतर्गत राज्यों के लिए सितंबर 2023 तक पूंजीगत व्यय के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य के लिए वार्षिक लक्ष्य 8,797 करोड़ इस AS स्कीम में निवेश के अतिरिक्त का 45% पूंजीगत व्यय करने का लक्ष्य था। इस प्रकार लगभग 4,000 करोड़ स्कीम के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का लक्ष्य था। पिछली बार और पहली बार हमने जो पूंजीगत व्यय है जो हर बार आप लोग बार बार पूछते थे साहब आप प्रोविजन तो करते हैं लेकिन खर्चा नहीं होता है, और हमने ये तय किया था कि हम लोग इस बार सितंबर 30 तारीख तक 45% हम लोग उसमें खर्च करेंगे, जो लगभग 3,998 यानी 4,000 करोड़ रुपए की राशि बैठती थी। और मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार उत्तराखंड में पहली बार हम लोगों ने इसे अचीव किया है। 4,800 करोड़ रुपया यानी 4,798 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय हमने इस 6 माह में हमने कर लिया है।
रुड़की के रेलवे स्टेशन के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंजाब में विधायक सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। बता दें कि रुड़की रेलवे स्टेशन रोड स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल तिराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया। इस मौके पर किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतपाल परमार ने कहा कि पंजाब सरकार ने किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखमिंदर सिंह खेरा को उनके आवास से गिरफ्तार किया है, क्योंकि वह लगातार पंजाब सरकार की नाकामी की पोल खोल रहे थे। कांग्रेस सरकार ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखमिंदर सिंह खेरा किसान कांग्रेस के, और वहां से विधायक भी हैं, वो बहुत मजबूत आदमी हैं, और इस सरकार की बार बार नाकामी की पोल खोल रहे थे, उससे वहाँ की सरकार ने परेशान होकर उन्हें नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया उनके आवास से, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो मामला उन्होंने उछाला है वो 2015 का मामला है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उन्हें बरी कर दिया था। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के पास जाजर देवल नैनी सैनी सड़क पिछले कई वर्षों से बदहाल बनी हुई है। इस सड़क में पानी निकासी नहीं होने से और बड़े बड़े गड्ढे होने से आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि 6 से 7 सालों से पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देते आए हैं, किसी ने भी अभी तक इस सड़क की सुध नहीं ली है। देखिए, हम काफ़ी लंबे समय से जाजर देवल नैनी सैनी सड़क के सुधारीकरण की मांग यहाँ पे शासन प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है शासन प्रशासन की तरफ से हमारी कोई सुध नहीं ली गई है, और आज इसी के लिए हम जिलाधिकारी से मिलने यहाँ आए हैं। उनको हमने, क्योंकि जैसे कि आपको सभी को पता है कि मोदी जी पिथौरागढ़ में आ रहे हैं, और करोड़ों रुपये से जो सड़कें पहले से ही ठीक सड़कें थी उन्हीं को दोबारा से उनमें डामर किया जा रहा है, और जो पब्लिक जिस समस्या से जूझ रही है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आज हमने डीएम मैम को हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में हमने, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमने आने वाले 10 अक्टूबर को भूख हड़ताल का हमने यहाँ पे मैम से बात की। उत्तरकाशी में जलभराव से प्रभावित कालेश्वर मार्ग जोशियाड़ा के निवासियों ने जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर नेशनल हाईवे जाम किया। लोगों के मुताबिक पिछले 20 सालों से बरसात के सीजन में घरों में पानी भर जाता है, जिसके कारण उन्हें बड़ा नुकसान होता है। बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द यहाँ पर मलबा नहीं हटाया तो रोज राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया जाएगा। हमारा अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, वार्ड मेंबर, विधायक साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब, इनको हमने 4 दिन पहले आश्वासन दिया था कि हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन इनके कानों में जीव नहीं रिंगा। इन्होंने हमको न तो कोई फ़ोन किया, न हमें बताया कि ये होना है ये ना। परसों मैंने एस्टिमेट लिखा एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहब ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, और ये हमारा जो एस्टिमेट था वो वापस कर दिया है। और आपको हमने वीडियो भेज रखी है पत्रकार भाइयों, और आपने देखा होगा कि हमारे घर कैसे डूब रहे हैं। इसे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये धरना प्रदर्शन डेली रहेगा। गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति नगर क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जहां उक्त मामले में विशेष समुदाय के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि घटना 29 सितंबर की है। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली तो लोगों ने युवक को धर दबोचा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने युवक के मुंह पर काले पोत और बाल मुड़वा कर जुलूस निकाला। मौके पर पहुंची एसडीएम सोनिया पंत ने युवक को हिरासत में लिया और जांच में जुट गई। कल राजस्व पुलिस क्षेत्र में हमारे वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, 376/3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसे जिलाधिकारी महोदय को तत्काल रिपोर्ट प्रेषित करते हुए मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया है।
नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मामला सारी स्थिति नियंत्रण में है। हमारा पुलिस बल हमारे साथ पूरा सहयोग कर रहा है और कल भी हम लोग रेवेन्यू पुलिस रेगुलर लगातार क्षेत्र में है और ऐसी कोई बात नहीं है। और अफवाहों को बढ़ावा मत दीजिएगा अगर इस तरह की अफवाहें चल रही है तो। लालकुआ में नगर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक दुकान पर फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाए जाने की सूचना पर परिवहन विभाग के एआरटीओ विमल पांडे ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान स्थानीय कोतवाली पुलिस को भी मौके पर बुला लिया गया। जानकारी के मुताबिक नगर में स्थित एक प्रदूषण केंद्र पर नियमों को ताकत पर रखकर प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाए जा रहे थे, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सेंटर को लेकर के हमारी जांच लगातार चल रही है, पूर्व में भी किया गया है और लालकुआ क्षेत्र से हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि गलत तरीके से बिना वाहन के आए पोल्यूशन हो रहा है। तो रेकी करते हुए हम कुछ दिन पहले भी यहाँ आए थे और हमने पूछताछ की थी। फिर हमने एक अपने कर्मचारी को यहाँ पर उपभोक्ता बना के कस्टमर बना के भेजा और एक फ़ोटो हमने एक यहाँ पर रॉयल रेडियम करके एक हैं उनको दी। और जब हमने कुछ समय बाद उसने हमको पोल्यूशन बना के दिया तो उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पोल्यूशन सेंटर को निरस्त करने की या उसके विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके लिए आगे लिखा जाएगा। काशीपुर की थाना आईटीआई पुलिस और वन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां हाथी दांत की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक हाथी दांत बरामद किया गया है। बता दें कि जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। दांत की बिक्री के प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना को उनके द्वारा अपनी टीम के साथ एम्बुलेंस लगा करके इसमें 2 पुरुष एक महिला जो कि बाइक से आ रहे थे और उनके हाथ में एक थैला भी था, जब इनको रोक करके और इनकी तलाशी दी गई तो उसमें इनके पास से ये जो बांसखेड़ा हमारा जो फ्लाई ओवर है उसी के नीचे तो इस पे इनके पास एक हाथी का दांत मिला जिसकी लंबाई लगभग 2.5 फीट थी और जिसका वजन 10 kg के करीब में 5 से 10 kg के करीब में था। और इनके द्वारा जब पूछा गया तो इनके द्वारा ये बताया गया कि इनके पास ये था और इसको ये बेचने का प्रयास कर रहे थे, संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। चूंकि संरक्षित वन्य जीव का ये दांत मिला था, लिहाजा वन विभाग की टीम को मौके पर बुला करके इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इसमें कार्रवाई अमल में लाई जा रही। इसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय मॉनसून सीजन खत्म होते ही श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। बता दें कि अभी तक 13,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्मा कपाल तीर्थ में पितरों के श्राद्ध के लिए तीर्थयात्रियों के आने का क्रम जारी रहा। दूसरे दिन पूर्णिमा प्रतिपदा श्राद्ध पर तीर्थयात्रियों ने अलकनंदा नदी में स्नान लिया और ब्रह्मा कपाल पर पिंडदान और तर्पण कर पितरों का आशीर्वाद लिया और पितु मोक्ष की कामना की। यह क्रम पितु विसर्जन अमावस्या 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वी सतीश ने मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों से अलग अलग चर्चा कर अब तक के कामकाज और कमियों की जानकारी ली। उन्होंने पदाधिकारियों से ये भी जाना कि अब तक कितने लोग राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जो लाभ से वंचित हैं उसकी वजह क्या है। सतीश ने कहा कि हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसमें सभी मोर्चों के पदाधिकारियों का अहम रोल है। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इंप्लीमेंट किया जाए और कुछ विषय ऐसे जो राज्यों की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से भी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा।
रुड़की के झबरीड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कई मांगों को लेकर किसान सम्मान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा झबरीड़ा के रॉयल बैंक्वेट हॉल से शुरू हुई, जिसका समापन किसान चौक पर हुआ। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी किसान चौक पर और मंदिरों में जाकर मत्था टेका। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि किसानों के गन्ना भुगतान, खराब हुई फसलों का मुआवजा, कर्ज पर ब्याज माफ, बिजली पानी का बकाया माफ और गन्ने का खरीद मूल्य 4.15 होना चाहिए। देहरादून में मुख्यमंत्री हाउस कूच के वक्त में ये फैसला किया था कि हम इस मुद्दे को बढ़ाए रखने के लिए किसान सम्मान यात्रा निकालेंगे और इस जिले के 6 स्थानों पर हम इस तरीके की यात्रा निकालेंगे। आज यहाँ से शुरुआत की और हमारी लगातार मांग है एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, प्रति बीघा 1100 के बजाय 10,000 की जाए और इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है उसका भुगतान प्रारंभ किया जाए और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये पर क्विंटल से अधिक होना चाहिए और जो फसल चक्र में बिजली पानी का बकाया है वो माफ़ होना चाहिए और कर्ज पर ब्याज माफ़ होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमारे आदरणीय नेता श्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा एक निकाली और किसान सम्मान यात्रा के माध्यम से हमने किसानों को उचित सम्मान मिले, इस चीज़ की हम लोगों ने मांग की। उचित सम्मान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे उत्तराखंड में आपदा आई, विशेषतः हरिद्वार का। और इसी के साथ जनटीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।